तो फ्रेंड्स ये रहा जाइन डोसा। क्या भूख, लंच का टाइम होगा सर, लंच कर लेते हैं। भूख लगी ना? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज है 4 जुलाई, मतलब आपका भाई का, मतलब मेरा आज बर्थडे है। आई होप आप लोग विश करोगे। और ये फिलहाल मुझे गिफ्ट मिला है बर्थडे का, माई लाइफ लाइन एस, मतलब मेरा नाम एस है, मतलब मेरा सोम जीरो सेवन ब्लॉक एस लाइफ लाइन एस मम्मी गिफ्ट की है अपने तरफ से। ये टी शर्ट और काफ़ी ढीला भी हो रहा है, जिम भी तो नहीं जा रहा था, ऊपर से मतलब कि यहाँ 3-4 दिन से नींद भी नहीं हो रहा है। खाना थोड़ा कम हो, लेकिन नींद जरूरी है, लेकिन दूसरा जगह आके उतना नींद नहीं होता है। और इसलिए देख रहे चेहरे का भी 12 बज गया यहाँ पर, सो थोड़ा सा लूज हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है बताना आप लोग। सो आज ब्लॉग के लिए निकलते, चलिए। तो फ्रेंड्स ये रहा स्वामीनारायण जी का मंदिर, सो अभी अंदर चलते हैं। और इधर सीढ़ी है, यहाँ दोनों तरफ से सीढ़ी, एक तरफ से एंट्री एक तरफ से एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ व्यू, डेकोरेशन, दो मूर्ति, और यहाँ पर गौ माता, और ये नारायण जी के चरण। जय नारायण। तो बारिश हुई है तो इसलिए सीढ़ी थोड़ा स्लिप हो रही है, सावधानी से ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर दीवार में कितना अच्छे से देख सकते हैं भोले बाबा, माता, गणेश जी, इस तरह बजरंग बली। गणेश जी की मूर्ति, बजरंग बली जी की मूर्ति। और अंदर का व्यू देखिए फ्रेंड्स, डेकोरेशन देखिए मंदिर में। और यहाँ पूजा सामग्री भी मिल रही है अंदर, और काफ़ी शांत प्लेस एकदम। और सामने रिया बैठी हुई है। अभी फिलहाल हम लोग प्रसाद खा लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए भी प्रसाद है, रिया हमारे फ्रेंड्स के लिए प्रसाद, और हम लोग थोड़ा प्रसाद खा लेते हैं। और अभी लगे फिलहाल भूख, लंच का टाइम भी हो गया, तो यहाँ लंच कर लेते हैं। डोसा का साइज दो फ्रेंड्स, जो 225 का है, काफ़ी बड़ा डोसा देख सकते हैं। सो अभी लग गया भूख, लंच का टाइम होगा सर, लंच कर लेते हैं। भूख लगी ना? और ये 100 रुपया थाली, इसमें राइस, चपाती और सलाद है, सब्जी है, दो तरह का दाल है, 100 रुपया प्लेट। अलग से कुछ जाए से अलग से चार्ज, चावल का 30, चपाती का 10। सो अभी भूख लगे हैं, जल्दी से लंच करते हैं। A few inches later. तो रिया कैसा लगा खाने का टेस्ट? अच्छा लगा सब फ्रेंड्स, खाना का टेस्ट अच्छा ही था, थोड़ा ज़्यादा दाम लिया लेकिन अच्छा था। यहाँ मंदिर के बाहर फिलहाल पूजा सामग्री, मिठाई वगैरह सब कुछ मिलता है, आप लोगों को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स अंदर भी पूजा का प्रसाद मिल रहा है, मिल जाएगा। और अभी अंदर चलते हैं, ये रहा माता का दरबार, और वह स्क्रीन पर माता का दर्शन कर सकते हैं सब कोई। यहाँ गणेश जी, गणेश माता का दर्शन कर लेते हैं। क्रोध हिंसा वर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थ। ये मंदिर के बाहर तथा सब व्यू माता लक्ष्मी का, यहाँ पर छवि है। और इधर बैठने का जगह है भक्तों के लिए, बैठने का जगह बना। सॉरी फिलहाल गन्ने का रस पीते हैं। क्या गन्ने का रस पियोगे? हाँ सफेद सभी गन्ने का रस पीते थोड़ा। Not much later. ये आ गया हमारा गन्ने का रस, भैया पहले पीने लग गई। सो फ्रेंड्स फिलहाल अभी गन्ने का रस पी के एनर्जी आ गया, और अब चलते हैं दादर स्टेशन, रेल स्टेशन, वहाँ से भी साईनगर सिटी के लिए गाड़ी है रात को 11:55 में। अभी फिलहाल चलते हैं वहीं पर, वहीं जगह थोड़ा रुकेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उस पर ट्रेन पकड़ेंगे।
फिर से ये बारिश पेश। ये मुंबई का बारिश और मुंबई का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा। और ये फ्रेंड्स मुंबई में जैन मंदिर, काफ़ी सुंदर डेकोरेशन है अंदर, देख सकते हैं अभी साफ सुथरा।